सद्गुरु कबीर का एक पद है, हंसा ऐसो गुरुमत भारी, लखे ते भव में आवत नाही, भव के बहुत बेगारी। शिष्य सिखापन गुरु के माने, गुरु साधुन के अधिकारी। गुरु साधुन के आज्ञाकारी, तेई मुक्ति पदार्थ पावे, यमते रहन निनारी। सत्य भेष सत रहन साधु के, संत दरथ अविकारी। ते अधिकारी गुरु पारख के, निर्जीव धोख निवारी। गुरुमुख सुख अनुमान रहित पद, बसे आनंद अटारी। प्रेम भाव साधुन सेवकाई, कहें कबीर पुकारी। इस पद को श्री राम रहस्य साहब ने अपनी रचना पंचग्रंथी में उद्धृत किया है और कहा है कि यह टकसार के शब्द हैं। पंचग्रंथी में टकसार एक प्रकरण ही सबसे बड़ा प्रकरण, प्रकरण अध्याय, अनेक विषय उसमें हैं। टकसार, टकसाल भी कहते हैं, जहाँ सिक्के ढलते हैं उस जगह को टकसाल या टकसार कहा जाता है। ज़्यादातर तो टकसाल कहते हैं, वहाँ से जो सिक्के ढल करके निकलते हैं पूरे देश भर के लिए प्रामाणिक होते हैं, उसका मूल्य पूरे देश में एक बराबर होता है, जिस देश का वो सिक्का है उस देश में। और हर कुछ स्वीकार करता है, पारख सिद्धांत में टकसाल या टकसार का अर्थ है निर्णय वचन। बीजक सद्गुरु कबीर की रचना, उसको भी टकसार कहा जाता है, क्योंकि बीजक की हर वाणी निर्णय पूर्ण है। हम कह सकते हैं जितनी भी वाणियाँ वो चाहे कहीं की हो और किसी के द्वारा कही गई हो, यदि निर्णय पूर्ण है, निर्णय युक्त है, तो टकसार वाणी है और मानो वो कबीर की वाणी है। कबीर की वाणी से मतलब चाहे कबीर ने कहा हो या न कहा हो, जो निर्णय पूर्ण हो, सत्य निर्णय के से युक्त हो, कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, वो सब मानो कबीर वाणी है। और कोई वाणी, कोई पद, कोई साखी, भले ही उसमें कबीर साहब की छाप लगी हो, लेकिन वह निर्णयपूर्ण नहीं है तो कबीर वाणी नहीं हो सकती, उसे कबीर वाणी नहीं माना जाना चाहिए। निर्णय वाणी ही कबीर वाणी है। कबीर वाणी की विशेषता है परख वाणी। परख का मतलब ही है निर्णय वाणी।
कबीर साहब की विशेषता क्यों है? संत तो अनेक हुए हैं हमारे देश में, अन्य देशों में भी अनेक संत हुए हैं, फिर भी अन्य संतों की अपेक्षा कबीर साहब की विलक्षणता क्यों मानी जाती है, क्यों वे सबसे अलग माने जाते हैं? परख के कारण। उन्होंने परख को श्रेय दिया है, किसी व्यक्ति को, किसी ग्रंथ को, किसी परंपरा को उन्होंने श्रेय नहीं दिया। व्यक्ति का मूल्य है, ग्रंथ का मूल्य है, परंपरा का मूल्य है, लेकिन सर्वाधिक मूल्य है परख का, निर्णय का। इसलिए कहा गया है परख साधु गुरु, परख कबीर, पारख पद पहचान। पारख के परताप से सब भ्रम जाला मान। साधु पूजनीय क्यों होना चाहिए? परख के कारण, निर्णय के कारण। गुरु पूजनीय क्यों? निर्णय के कारण, परख के कारण। कबीर पूजनीय क्यों? परख के कारण। यदि साधु में परख नहीं है, परंपरा की लीक पकड़ कर चलने वाला है, न तो वाणी निर्णय पूर्ण है, न आचरण निर्णय पूर्ण है, तो साधु का वेश होने मात्र से कोई बड़ा और श्रेष्ठ थोड़े हो जाएगा। कोई गुरु है, न तो गुरु का आचरण निर्णय पूर्ण है, न उनका वक्तव्य निर्णय पूर्ण है, तो गुरु का लेबल लगा लेने मात्र से कोई बड़ा थोड़े हो जाएगा। यही बात सबके लिए है। तो परख के कारण, निर्णय वचनों के कारण ही साधु पूजनीय है, गुरु पूजनीय है और कबीर पूजनीय है। इसलिए पारख पद पहचान, जो पारख पद है, निर्णय पद, सर्वोच्च पद, आत्म पद, उसकी पहचान करें। पारख के परताप से सब भ्रम जाला मान, निर्णय के प्रताप से, निर्णय वाणी से जितने भी भ्रम जाल हैं सब अमान्य सिद्ध हो जाते हैं। परख न होने के कारण ही धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में अनेक प्रकार के भ्रम चल रहे हैं, पल रहे हैं, और लोग उस भ्रम जाल में उलझ उलझ कर दुखी हो रहे हैं। भ्रम जाल से मुक्त होने के लिए परख वाणी की आवश्यकता है, निर्णय वाणी की, चाहे वो कहीं की भी हो। जिन्हें हम कबीर वाणी कहते हैं, बीजा के अन्य, उनमें ही परख है, ऐसा नहीं है। निर्णयपूर्ण वाणी हर जगह है, लेकिन महिमा के घड़ा टोप में वे वाणियां दबी हुई हैं, खोजबीन की आवश्यकता है। मैं कह रहा था कि श्री राम रहस्य साहब ने पंडग्रंथी में इस शब्द को उद्धृत किया है, तो वहां कहा ये टकसार वाणी है, मतलब निर्णय पूर्ण वाणी, और निर्णय पूर्ण वाणी मतलब कबीर वाणी। इसमें कबीर साहब की छाप लगी भी है। हंसा ऐसो गुरुमत भारी, हे हंस गुरुमत, गुरु का न्याय, गुरु का निर्णय, गुरु का सिद्धांत, इस प्रकार से वजनदार है, महत्वपूर्ण है कि लखेत भव में आवत नाहीं। उसको जो लख लेता है, उसको जो परख लेता है और परख करके ग्रहण कर लेता है,
फिर वह भाव में इस दुनिया में नहीं आता, भाव के जाल में वह नहीं पड़ता, और भाव के जाल में पड़ने पर भाव के बहुत बेगारी, भाव के तो बहुत बेगारी है, बिना मतलब के तमाम काम। गुरुमत क्या कहते हैं, हंसा ऐसो गुरुमत भारी, ऐ हंस, गुरु का मत, गुरु सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। सद्गुरु कबीर की दृष्टि में मानव मात्र हंस है, क्योंकि मानव मात्र में विवेक की स्वाभाविक भूमिका है, क्योंकि हर मनुष्य को विकसित मन मिला हुआ है। बारंबार बारंबार सद्गुरु कबीर मनुष्य को हंस कहकर संबोधित करते हैं। किसी भी मनुष्य को अपने को दीनहीन दुर्बल समझने की आवश्यकता नहीं, समझना ही नहीं चाहिए। यदि मनुष्य दीनहीन है, दुर्बल है, तो सबल कौन है? जिसको सबल कहा जाता है उसकी कल्पना करने वाला भी मनुष्य ही है। जब तक आप स्वयं अपनी शक्ति को पहचानेंगे नहीं और पहचान कर उस शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे, कोई आपका उद्धार करने वाला नहीं है दूसरा। आकाश में माने गए देवी देवता तो आपकी कल्पना है, वे तो कभी मिलने वाले हैं नहीं, चाहे जितना पुकारो कभी मुलाकात होगी नहीं। बाहर संत गुरुजन जो प्रत्यक्ष हैं वो केवल बाहर से प्रेरणा दे सकते हैं, आपके आत्मविश्वास को जगाने का काम कर सकते हैं, लेकिन अंततो गत्वा आपको स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अपनी शक्ति का उपयोग स्वयं करना होगा। अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं इसलिए दिन दुर्बल बनकर सुख के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, कल्याण के लिए जगह जगह हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, माथा पटक रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है, चाहे कितना नाक घिसो, घिसते घिसते नाक ही गायब हो जाएगी, कोई सुनने वाला है नहीं आपके। स्वयं जागना होगा। आप हंस हैं, स्वच्छ सफेद, निर्मल निर्विकार, बगुला नहीं है आप कि बाहर से उजला और भीतर से काला। आप बाहर से भी स्वच्छ हैं और भीतर से भी, पहचान नहीं रहे हैं इसलिए आप अनेक प्रकार के कालिमापूर्ण कामों में लग गए हैं। आप मूलतः शुद्ध बुद्ध हैं। यदि मनुष्य ये जीव शुद्ध बुद्ध ना होता तो कितना भी हम ज्ञान भक्ति वैराग का काम करते, संयम साधना का काम करते, हमारी अशुद्धता, हमारी मलिनता कभी दूर ही नहीं होती। क्योंकि मलिनता यदि हमारा स्वभाव होती, गंदगी हमारा स्वभाव होती, तो स्वभाव को तो हम दूर नहीं कर सकते। स्वभाव को दूर कैसे करोगे? आग का स्वभाव है उष्णता, तो कुछ भी उपाय कर लें, आग और उष्णता अलग अलग हो नहीं सकती दोनों। ऐसे ही गंदगी हमारा स्वभाव है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये मनोविकार हमारे स्वभाव हैं, तो कभी
ये दूर हो ही नहीं सकते, हम इनसे अलग हो ही नहीं सकते, लेकिन विवेक से, विचार से, संयम से, साधना से इन्हें हम दूर कर सकते हैं, जीवन भर के लिए दूर कर सकते हैं। इसलिए ये सिद्ध होता है कि मलिनता इस जीव का, मनुष्य का स्वभाव नहीं है, निर्मलता स्वभाव है, गंदगी स्वभाव नहीं है, पवित्रता स्वभाव है, भूल गए हैं उसको, इसलिए हम उसे बाहर से पाना चाहते हैं। साहब कहते हैं तुम हंस हो, अपने हंसत्व को पहचानो और पहचान करके हंसत्व भाव का उपयोग करो, उसमें जीवन जियो। गुरु मत भारी, गुरु का मत भारी है। दो मत है दुनिया में, एक गुरु मत, एक मन मत। गुरु मत क्या है? सत्य निर्णय का सिद्धांत, निर्णय पूर्णवाणी, वो गुरु मत है। और जहां कल्पना है, भ्रम है, जाल है, विषय विकार है, वो मन मत है। मन मत में तब तक चलते आए ही हैं, वो तो स्वभाव बन गया है। उद्दंडता, उच्छृंखलता, मनमानीपन, मन के कहे में चलना, यही सब मनमत है। असत निर्णय के पद पर चलना, ज्ञान, विवेक, विचार, संयम, साधना, प्रेम, सेवा, भक्ति के पद पर चलना, ये गुरुमत है। जब तक मनमत पर चलते रहेंगे, मन के कहे में, विषय विकार में बहते रहेंगे, कहीं स्थिरता नहीं होगी, कहीं ठहराव नहीं होगा, कभी सच्ची शांति और सच्चे सुख का अनुभव नहीं होगा। और गुरु मत में चलेंगे, गुरु का जो निर्णय है, गुरु का जो न्याय है, उपदेश है, गुरु का जो सिद्धांत है, उस पथ पर चलते हैं, तो वहाँ कहीं कोई दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, वहाँ स्थिरता है, ठहराव है, पूर्ण शांति है, पूर्ण संतोष है। सद्गुरु कबीर ने बीजक में साक्षी कही है, गुरुद्रोही और मनमुखी, नारी पुरुष विचार, तेनर चौरासी भरम है, ज्योलो चंद्र दिवाकार। जो गुरुद्रोही हैं और मनमुखी हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, इस चौरासी चक्कर में तब तक भटकते रहेंगे जब तक दुनिया में चांद और सूरज बने रहेंगे। तो चांद और सूरज तो सदैव बने रहेंगे, तो भटकना भी सदैव बना रहेगा। तो गुरुद्रोही का अर्थ क्या है? जो संयम, साधना, ज्ञान, विवेक, विचार, दया, प्रेम, सेवा, भक्ति, सद्गुण सदाचार है, निर्णय है, उनका विरोध करना गुरु का विरोध करना है। ये गुरुद्रोही होना है, गुरु उपदेशों के विपरीत आचरण करना। और गुरु का उपदेश क्या है? गुरु का उपदेश है प्रेम से जीना, ईमानदारी से जीना, सत्यता से जीना, संयम साधना से जीना, विवेक विचार से जीना, ज्ञान भक्ति के पद पर चलना। ये गुरु का उपदेश, इस पद पर जो चलता है, चाहे गुरु के साथ रहता हो चाहे गुरु से अलग रहता हो, वह गुरु का भक्त है। और इस पथ का जो विरोध करता है वह गुरुद्रोही है।
वही मनमुखी है। मनमुख के रास्ते पर हम आज तक चलते आए हैं। मिला आज तक क्या है? सबका अनुभव है। हंसा ऐसो गुरुमत भारी, ऐ हंस गुरु का मत, गुरु का सिद्धांत भारी है। गुरु का मत क्या है? अनात्म का मोह छोड़कर आत्म में अनुराग करना। जो झूठा है, हमारा हो नहीं सकता, उसका मोह छोड़कर जो अपना है उसे अपना समझना, उसमें प्रेम करना, उसमें मन को जोड़ना, ये गुरु का मत है। सीधी बात कहें सरल ढंग से तो जितना निर्णय पूर्ण है, जो परख पूर्ण है, तर्क की कसौटी पर जो उतरता है, वो सब गुरु मत है। तो जो निर्णय वचन है, तर्कपूर्ण वचन है, उसको छोड़ दें तो फिर और सुख शांति कल्याण का रास्ता और बचेगा क्या? फिर तो भटकाव ही रहे, सर्वत्र भटकाव होगा। गुरुमत को समझना होगा। गुरुमत का अंतिम अर्थ होगा स्वरूप स्थिति, आत्मस्थिति। मन को सब तरफ से समेट कर आत्मलीन कर लेना, ये गुरु का निर्णय है, गुरु का उपदेश है। और ये उपदेश अत्यंत वजनदार है, अपने आप में मिल गए सब, भटकना दूर हो गया। सद्गुरु कबीर कहते हैं, ऐ हंस गुरु का जो निर्णय है, ज्ञानोपदेश है, सत्य सिद्धांत है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत कल्याणकारी और आनंददायक है। लखेत भाव में आवत नाही, उस गुरु निर्णय को, गुरु सिद्धांत को जो लख लेता है, समझ लेता है, और समझ करके जीवन आचरण में उतार लेता है, उसके अनुसार से जीवन व्यतीत करने लग जाता है, वह भाव में नहीं आता। भाव का अर्थ है होना, भाव का अर्थ है गतिविधि, भाव का अर्थ संसार। यहां भाव से अर्थ है जन्म मरण का प्रवाह, आवागमन का चक्र। भाव का अर्थ है मन के विकार। जो सही ढंग से गुरु के सत्य निर्णय सिद्धांत को समझ लेता है, गुरु उपदेश को समझ करके जीवन आचरण में उतार लेता है, फिर वो मन के विकार में बहेगा क्यों? हम मन के विकार में बह रहे हैं, मानसिक तरंगों में हम तरंगायित हो रहे हैं, उब डूब रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी हमने गुरु निर्णय को पूरा पूरा समझा नहीं है। समझ लिए हैं तो जीवन आत्म में उतारने के लिए प्रेम नहीं हुआ उत्पन्न। अब बिना प्रेम के, बिना श्रद्धा के ज्ञान की ऊंची से ऊंची बातें हवा बन करके उड़ जाना है, काम को नहीं आने वाला है। तो लखेत भाव में आवत ना है, गुरु निर्णय को जो समझ लिया वो मानसिक विकारों में उलझता नहीं, बहता नहीं है। मन के
भाव के बहुत बेगारी। साहब कहते हैं भाव के तो बहुत बेगारी है। बेगारी का मतलब व्यर्थ के काम, जिसमें मेहनत बहुत किया जाए, कठोर परिश्रम किया जाए, फिर भी परिणाम कुछ ना मिले या बहुत थोड़ा परिणाम मिले। मन के प्रपंचों में बहते बहते आए हैं, आज तक हासिल क्या हुआ जरा सोचें, कितना सुख इकट्ठा किए, मन के जितने भी विकार हैं, अमुक अमुक विकार नाम लेकर गिनाने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी मनोविकार हैं, अनेक बार उन विकारों में हम पड़े रहे हैं। क्यों पड़े रहे, क्यों उनको हम ग्रहण किए? सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। तो कितना आज तक सुख मिला, कितना आनंद बटोरा? केवल बेगारी करते रह गए बस, कुछ हाथ आया नहीं। दौड़ते तो रहे सुख पाने के लिए, जिंदगी भर हम मेहनत करते हैं सुख पाने के लिए, अनुभव क्या है? दुख का। प्रयत्न सुख पाने के लिए, अनुभव दुख का। इससे बड़ी हार और क्या होगी? सोचें, आपका मन, हमारा मन, हम सब सोचें, कितना हमारा मन सुखी है, मन के दुख कितने मिटे हैं, तनाव कितने मिटे। आखिर सुख पाने के लिए रात दिन दौड़ रहे हैं, वो सुख कितना मिटा मिला है, दुख से बचने के लिए काम करते रहे हैं, वो दुख कितना घटा है। श्री विशाल साहब ने कहा है, दुख खेदे सुख को भजे, यह उपाय नित शोध, खेदा सो सन्मुख रहे, राखा होय विरोध। दुख खेदे, हम दुख को हटा रहे हैं अपने पास से, दूर भगा रहे हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, जो कर रहे हैं दुख से बचने के लिए। सुख को भजे, और रात दिन भजन किसका काम कर रहे हैं? सुख के लिए। उपाय क्या कर रहे हैं, काम किसके लिए कर रहे हैं? सुख के लिए। यह उपाय निशोध, रोज हम ये सोच रहे हैं कि दुख दूर कैसे हो, सुख कैसे मिले। अनेक उपाय हम शोधन करते हैं, लेकिन इतने शोधन करने के पश्चात, इतनी मेहनत करने के पश्चात परिणाम क्या हो रहा है? खेदा सो सन्मुख रहे, जिस दुख को हम बराबर दुत्कार रहे हैं भगा रहे हैं, वो सामने खड़ा रहता है हमेशा। और राखा हो विरोध, और जिस सुख को हम पाना चाहते हैं वो दूर दूर भाग रहा है। क्यों? क्या हमारी मेहनत में कमी है? नहीं, हमारी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है। मेहनत तो आवश्यकता से ज्यादा कर रहे हैं, तब कमी कहां है, गलती कहां हो रही है? सुख पाना चाहते हैं वो मिलता नहीं, दुख भगाना चाहते हैं वो भागता नहीं है, दिशा गलत है, खोज की दिशा गलत है, जो काम कर रहे हैं वो काम गलत है। हम मन को उत्तेजना में सुख खोजते हैं,
और वही दुख का कारण बनती है उत्तेजना, कैसे होगा। तो लखित भाव में आवत नाही भाव के बहुत बेगारी। सदगुरु कहते हैं जो गुरु के सत्य निर्णय सिद्धांत को लख लेता है, समझ में बात पूरी की पूरी आ गई, और बात पूरी की पूरी आने पर, समझ आने पर जीवन आचरण में उतार लेता है, पूरा नहीं उतार पा तो उतारने कोशिश तो करें। जितना हम जानते हैं एक बार की उतने को हम पूरा पूरा जी नहीं सकते, लेकिन लगन तो हो उस दिशा में चलने के लिए, ईमानदारी तो हो। ईमानदारी ही कहाँ है हमारे अंदर। शहद ले लो, कितने भक्त मिलते हैं, गुरुदेव जी भी ये बात प्राय कहा करते थे, और सभी संतों का अनुभव होगा, आप लोगों का भी अनुभव होगा, कितने भक्त आश्रम में आते हैं या बाहर मिलते हैं, कहते हैं भाई तुम बहुत दिनों बाद आश्रम आए हो या बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। कहते हैं साहब क्या करूं, ऐसी मजबूरी आ गई साहब, मिलना तो चाहता था साहब, बहुत मन कहता था, बहुत मन कहता था मिलने के लिए, लेकिन मजबूरी आ गई। ये झूठ, बहुत मन होता तब तो आपको 5 बार मिल लिए होते, 10 बार मिल लिए होते, बहुत मन नहीं था, मन रहा थोड़ा मन था, लेकिन बहुत मन होता ना तो पता नहीं कितनी बार मुलाकात कर लिए होते। जिसके लिए तीव्र उत्कंठा होगी उसके लिए समय निकालना नहीं पड़ता है, निकल आता है अपने आप। कल्याण के लिए तीव्र उत्कंठा हो, दुख से बचने के लिए तीव्र उत्कंठा हो, परम सुख परम शांति पाने के लिए तीव्र उत्कंठा हो, तो हमारी वो दशा नहीं होगी जो आज दशा है। तीव्र उत्कंठा का परिणाम ही है समर्पण। सदगुरु कहते हैं लखे तो भाव में आवत नाही, गुरु निर्णय को जो लख लेता है, समझ लिया, आत्म उतार लिया, अब वो भाव में नहीं आना है, मतलब मानसिक सारे कष्टों से वो बच गया। भाव में नहीं आने का मतलब क्या है, अभी जन्म के पश्चात किसका फिर दोबारा जन्म होगा या नहीं होगा कौन जानता है। जो मर करके गया, शरीर छोड़कर गया, वो तो बताने के लिए आएगा नहीं कि भाई देखो मैं अमुक जगह दोबारा जन्म ले लिया हूँ, या अब मैं मुक्त हो गया, अब दोबारा मेरा जन्म नहीं होने वाला है, वो बताने के लिए तो आएगा नहीं। हम जीवित हैं हमें मालूम नहीं, हम भी साथ साथ हैं मर जाएं तो भी थोड़ा मालूम होगा कि वो मुक्त हो गया। भाव में नहीं आने का अर्थ क्या है, इसी जीवन में रहते रहते सारे मानसिक विकारों का शमन हो जाना। मन के जो विकार हैं वो परेशान न करें, पूर्ण शांत मन, संतुष्ट मन, निर्मल मन। और ये भी बताने की चीज नहीं है, कोई बताए तो हम समझ भी कैसे पाएंगे, क्योंकि हमारा मन तो मलिन है, हमारा मन तो अनेक विषय विकारों में डूबा हुआ है। हम तो अपने मन से दूसरे के मन को तौलेंगे ना, हम तो यही कहेंगे मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरा मन निर्मल नहीं होता, इनका मन कैसे निर्मल हो गया होगा। हम संदिग्ध दृष्टि से देखेंगे, कोई किसी दूसरे के मन को पूरा का पूरा समझ नहीं सकता, समझ पाएगा ही नहीं। यह ससंवेद्य है, अपने मन की दशा हम स्वयं जान सकते हैं।
कौन मुक्त हुआ, कौन मुक्त नहीं हुआ, कौन मुक्त होगा, कौन मुक्त नहीं होगा, इस चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम मुक्त हैं या नहीं हैं, मुक्ति की तरफ हमारी मेहनत है नहीं है या नहीं, ये समझने की जरूरत है। सबके सब बंधन में हैं, हम मुक्त हो गए, हमारा घाटा क्या है? हम मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, मुक्ति दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, हमारा घाटा क्या है? और सबके सब मुक्त हो गए, हमारे संगी साथी, हम बंधे हुए हैं, हमारा मन अत्यंत दुखी पीड़ित संतापित है, तो साथियों मुक्त होने से हमारा फायदा क्या हुआ? इसलिए किसी की मुक्ति को अंदाजने की आवश्यकता नहीं है। अमुक बंधन में पड़ गया, अमुक मुक्त होकर गया, ये कहने का आवश्यकता नहीं है, विवाद में पड़ने का आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपनी मुक्ति को समझने की, कि आज मेरे मन की दशा किस प्रकार से है। पहले साल भर पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले मन की जो दशा थी और आज की जो दशा है, पहले जैसा हमारा मन विकारी था, मलिन था, गंदगी से भरा हुआ, गंदा था, तनावग्रस्त था, वैसे अभी भी अभी मन गंदा है, तो हम चाहे 20 साल से 25 साल से साधना कर रहे हों, भक्ति कर रहे हों, हम रुके हैं, जहां के तहां रुके हुए हैं, आगे कुछ प्रगति नहीं हुई है। और यदि हम 10 साल 20 साल 25 साल से जा चाहे जितने दिन से सेवा करते हों, भक्ति करते हों, चाहे हम साधना का काम करते हों, पहले की अपेक्षा हमारा मन और गंदा हो गया, और चंचल अशांत हो गया, और विकारी हो गया, तब तो हम और पीछे लौट गए, खाई में गिर गए, पूरा का पूरा घाटा में चला गया। थोड़ा ही सही, गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मन की चंचलता थोड़ी मिटी, थोड़ा मन शांत हुआ, मलिनता घटी, विकारी भावनाएं घटी, उत्तेजनाएं घटी, चाहे वो 0.5% क्यों ना हो, तो समझना चाहिए हम सही दिशा में लगे हुए हैं, और फिर उसी दिशा में समर्पित होकर के लगने की आवश्यकता है। अपनी मुक्ति को हमें समझना है, कितने हम मुक्त हुए हैं, कितने हम बंधे हुए हैं, कोई दूसरा हमें बताएगा नहीं, हमें ही समझना होगा, हम ही जान सकते हैं। यह तो लखित भाव में आवत नहीं, अपने मन के जो विकार हैं उनको जो लख लेता है, या यही गुरु का मत है। गुरु का मत क्या है, सिद्धांत गुरु का उपदेश क्या है, मानसिक विकारों पर विजय पाना। कह देते हैं कि गुरु का मत है कल्याण का काम करना, स्वरूप स्थिति में पहुंचना, आत्मस्थित होना गुरु का मत है, तो मानसिक विकारों पर विजय पाए बिना हो जाएगा? आत्मस्थित होने के लिए, स्वरूप स्थित होने के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, ईश्वर साक्षात्कार के लिए, या कुछ भी शब्द कह लो, करना कुछ नहीं है, जाना कहीं नहीं है, सिर्फ मानसिक विकारों का शमन करना है। आत्मबोध तो चाहिए, जिसे मैं पाना चाहता हूं, जहां मैं पहुंचना चाहता हूं, जाना चाहता हूं, वो मुझसे अलग नहीं, मेरा अपना आपा ही है, अस्तित्व है, यह बोध तो चाहिए। फिर इस बोध के पश्चात एक ही काम करना है,
मानसिक विकारों का शमन करना, मन की मलिनता को दूर करने का काम करना। मानसिक विकारों का शमन हो गया पूरी तरह से, मलिनताएं दूर हो गई, मन निर्मल हो गया, बस अपने आप आत्मस्थित हो गया, अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। तो लखित भाव में आवत नाही, जो गुरु सिद्धांत को, गुरु के मत को समझ लेता है, जीवन उतार लेता है, फिर वह भव चक्र में नहीं आता, मानसिक क्लेश से वो पीड़ित नहीं होता है, उसे ऊपर उड़ गया, सब समय कृतार्थ। और ऐसा नहीं किया तब भव के बहुत बेगारी से आप कहते हैं तो फिर भव के तो बहुत बेगारी है। बेगारी मतलब बिना मतलब का काम, बिना प्रयोजन का काम, जिसमें काम तो बहुत किया जा रहा है, बड़ी मेहनत की जा रही है, लेकिन परिणाम कुछ ना मिले। पहले बेगारी प्रथा बहुत थी, जब हमारा देश गुलाम था, जमींदार लोग, सामंत लोग या बड़े बड़े लोग गरीबों से, मजदूरों से दिन भर काम करवा लेते थे और कुछ मेहनत मजदूरी देते नहीं थे, बेचारे सरतोड़ परिश्रम करते थे, जरा भी ढिलाई होती थी काम में तो फिर कोड़े भी लगवा देते थे, खुलेआम पिटाई करवा देते थे, दिन भर मेहनत किए, शाम को मिला कुछ नहीं, बेगारी प्रथा। अब वो बेगारी प्रथा तो बाहर नहीं कहीं है, नहीं समाप्त हो गई, कहीं होई छिपी बात बात अलग है, लेकिन भीतर की बेगारी तो चल रही है ना बराबर। मन की बेगारी, मन हमसे क्या क्या करवा, बेगारी ही तो करवा रहा है मन। मन को खुश करने के लिए हम जो कुछ भी करेंगे सब बेगारी होगी, सब बेगारी, सब बेगारी। आज तक जो किए किसके लिए किए, मन को खुश करने के लिए किए, हासिल क्या हुआ ये जरा सोचें। आप कहेंगे मैंने बहुत धन इकट्ठा कर लिया, मेरे पिता बहुत थोड़ी पूंजी छोड़ करके गए थे, उस पूंजी को मैंने 500-100 गुना बढ़ा लिया, मेरे पिता एक छोटी सी किराने दुकान छोड़ कर गए थे, दुकान को मैंने बढ़ा लो, खूब विस्तार कर लिया, 4-4 दुकानें मैंने खोल ली, मेरे पिता एक कच्चा मकान छोड़ कर गए थे, फूस की झोपड़ी या खपड़ेल मकान छोड़ कर गए थे, मैंने उस मकान खूब विस्तार कर लिया, बड़ा मकान बना लिया, 5 तल्ले का पक्का भवन बना लिया, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। हम कहें हमारे गुरुजी जो आश्रम छोड़कर गए थे, हमने उस आश्रम का इतना विस्तार कर लिया, हमने प्रचार क्षेत्र इतना और बढ़ा लिया, ठीक है, धन बढ़ा ना, जमीन बढ़ी, मकान बढ़ा, आपका क्या बढ़ा? गुरुदेव जी सर कहा करते थे, धन बढ़ा तो धन की उन्नति हुई, पद बढ़ा पद की उन्नति हुई, मकान बड़ा हो गया मकान की उन्नति हो गई, बड़ा पद मिला बड़ी नौकरी मिली नौकरी की उन्नति हो गई, आपकी उन्नति क्या हुई इसमें, आपको क्या मिला? धन बढ़ गया, मकान बड़ा हो गया, परिवार बड़ा हो गया, साधु बाबा हैं तो प्रतिष्ठा बड़ी हो गई, प्रचार ज़्यादा हो गया, मठ बड़ा हो गया, मन कितना प्रसन्न है, मन कितना शांत है, रात में बराबर सुख की नींद आ रही नहीं आ रही है? यदि नहीं आ रही है तो आपने बेगारी के अलावा क्या किया, या हमने बेगारी के अलावा क्या किया? हमारी असली कमाई मन की तृप्ति, मन की प्रसन्नता, मन की शांत। और यदि हमारा मन शांत नहीं हो रहा है, मन तृप्त नहीं हो रहा है, तृष्णा बढ़ती चली जा रही है, उलझन बढ़ती चली जा रही है,
तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं बेगारी कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो बेगारी ही कर रहा हूं, यदि मेरा मन शांत नहीं हो रहा है, आप सुन रहे हैं तो बेगारी ही कर रहे हैं। यद्यपि ये कहना सुनना उस बेगारी को मिटाने के लिए है, लेकिन मैं कहने में रुक गया, आप सुनने में रुक गए, तो दोनों बेगारी किए और कुछ हुआ नहीं। मन की बहुत बेगारी, साहब कहते हैं ध्यान रखना, ये मन की बहुत बेगारी है, बहुत बेगारी, इस बात समझ में जल्दी नहीं आती है। अंतिम परिणाम को देखें, यदि अभी मौत आ जाए अचानक, मौत तो कभी भी आ जाएगी ना, उसके लिए कोई प्रतिबंध तो है नहीं कि अमुक अमुक दिन नहीं आना, अमुक जगह नहीं आना, अमुक समय नहीं आना, ऐसा कोई प्रतिबंध तो है नहीं। अभी मौत आ जाए और कहे चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया है, तुम्हें ले जाने के लिए मैं आई हूं, ये बात सुन करके, मौत को सामने खड़ी देखकर यदि हम दुखी हो गए, पीड़ित हो गए और लगा अरे अभी तो अमुक अमुक काम करना बाकी रह गया है, ये काम पूरा नहीं हुआ, पीड़ित परेशान, तो समझना अब तक बिगाड़ी किया गया, अपना काम कुछ नहीं किया गया, संसार के लिए किए, शरीर के लिए किए, परिवार के लिए किए, समाज के लिए किए, जो किए अच्छा किए, अपने लिए कितना किए, और मौत सामने खड़ी है और लगा अच्छा तू आ गई, ये जीवन पाकर के जो करना चाहिए था कर ले, कोई काम बाकी नहीं रहेगा, मेरा मन पूर्ण शांत है, मैं तैयार हूं, तो समझना अपना काम हुआ। अब हमें सोचना है कि हमारी दशा क्या, हमारी स्थिति क्या है, मौत को सामने खड़ी देख करके मन उत्तेजित हो गया, विचलित, दुखी हो गया, तो हमने अपना काम अभी तक कुछ किया नहीं, और सामने खड़े देख करके मन शांत, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है, प्रसन्न, अच्छा हो गया तो हो गया, तो आ गई, झंझट खत्म हो गया मेरा, तो समझना अपना काम किया गया। सारा समय तो हमारा बेगारी में जा रहा है ना, क्योंकि हमने गुरु मत को समझा नहीं है, उसको लखने का काम नहीं किया, जानते भी हैं, समझते भी हैं, दूसरों को समझाते भी हैं, फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी हमारा मन अशांत है, फिर भी निर्णय वचन के अनुसार से हम जीवन नहीं जी रहे हैं, तब तो हम और महाअभागे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, जानी बूझ जो कपट करतु है तही अस मंद न कोई, कहें कबीर तहि मूढ़ का भला कौन विधि होई। एक आदमी अनजान में गलती करता है, जानबूझकर गलती नहीं करना कर रहा है, अनजान में है, उसे ये पता ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं, निश्चित है उसको भी उस गलती का परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, चाहे हम जानबूझकर के आग छुएं, चाहे धोखे से हमारा हाथ आग में पड़ जाए, हाथ तो जलेगा, तो हम, लेकिन फिर भी एक आदमी ऐसा है कि जो पता ही नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, या नासमझी में अनजान में गलती किया, और एक आदमी वह जो जानता है ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा है, दोनों ने गलती की, लेकिन सजा में अंतर हो जाएगा दोनों के। जब हम जानबूझकर गलती कर रहे हैं, संस्कार बहुत गहराई से उसमें गहराई से
गड़ जाएंगे अंतःकरण में, अनजान में गलती का संस्कार बनेंगे लेकिन वो गहरी छाप नहीं बनेगी। इसलिए साहब कहते हैं जान बुझ जो कपट कर, जान बुझ करके जो कपट कर रहा है, जानता है ये रास्ता गलत, ये रास्ता सही, फिर भी गलत रास्ते का त्याग नहीं करता, सही रास्ते का अनुसरण नहीं करता। साहब कहते हैं उसके जैसा मंद बुद्धि अभागा और दूसरा कोई नहीं है। कहीं उस अभागों में हमारा नाम तो नहीं है, हमारा नंबर तो नहीं है। ईमानदारी पूर्वक विनम्रता से हमें सोचने की आवश्यकता है, हमारे बारे में कौन क्या कहता है ये चिंता नहीं, हमें चिंता होती है, जिसको जो कहना है कहने दो। ईमानदारी सोचे कि मैं अपने साथ छल कपट का व्यवहार तो नहीं कर रहा हूं, जान रहा हूं ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा हूं, तो अपने साथ तो कपट कर रहा हूं ना, अपने को तो धोखा दे रहा हूं, कोई जाने या न जाने मैं तो जान रहा हूं, फल तो मुझे मिलेगा मिलेगा। कहें कबीर ते मूढ़ को भला कौन विधि हो, सदगुरु कबीर कहते हैं उस मूढ़ का भला कौन किस प्रकार से हो सकता है जो जानबूझकर कपट कर रहा है। एक प्रकार से कहा जाए तो हम लोग जानबूझकर के ही कपट कर रहे हैं, क्योंकि सारी बातें समझ में आ रही है फिर भी होश में नहीं जी पा रहे हैं। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है जो कीमत पद की लखे करे निरादर भूल, मनोरुज होए न नाशते ही अधिक अधिक देशूल। जो पद की कीमत लिख, पद की कीमत लग करके समझ करके जो ज्ञान भक्ति संयम साधना त्याग वैराग्य ध्यान चिंतन इनकी कीमत समझता है, महत्व समझता है, फिर भी भूलवश आदतवत आसक्तिवत निरादर करता है। श्री विशाल साहब कहते हैं ऐसे व्यक्ति का मानसिक रोग कभी नष्ट नहीं हो सकता है, उसके मानसिक रोग उसे उत्तरोत्तर अधिक पीड़ित करते चले जाएंगे। अन्य आदमी की अपेक्षा वो मन से अधिक संतापित और पीड़ित होगा। इसलिए कम से कम जब हम समझ लिए हैं बात को, ज्ञान भक्ति विवेक वैराग संयम साधना का महत्व समझ में आ गया है तो अपने साथ तो छल कपट का व्यवहार ना करें। अब हम सीख लिए हैं गुरुजनों से, कुछ पढ़ लिए हैं, अभ्यास कर लिए और मंच पर बैठ करके अच्छे लच्छेदार भाषा में उदाहरण देकर प्रमाण देकर लोगों को ज्ञान की बातें सुना दिए और भीतर वही लोग वही आ सकते तो हमसे बड़ा बेईमान और कोई दूसरा होगा नहीं, और उस बेईमानी का परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा, आज ही भुगतना पड़ेगा, मरने के बाद जो होगा तो होगा। सदगुरु सावधान करते हैं यदि लखित भाव में आवत नहीं, यदि तुमने सचमुच में गुरु ज्ञान को लख लिया है, गुरु को उपदेश को समझ लिया तो उसका फल है मानसिक विकारों से विजय, मन का पूर्ण शांत, तनाव रहित मन, चिंता रहित मन, भय रहित मन, क्लेश रहित मन। और यदि सावधान नहीं हुए तो समझ लो भाव के बहुत बेगारी, मनोविकार में पड़ने पर तो केवल बेगारी 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 ही सहन करना होगा और कुछ मिलेगा नहीं। अभी भी अवसर है जागने के लिए, अभी हम जग सकते हैं और पूरा का पूरा कल्याण का काम कर सकते हैं।
तो हंसा ऐसो गुरुमत भारी, लखे ते भव में आवत नाही, भव के बहुत बिगारी। है हंस, गुरु का जो ज्ञान है, गुरु का जो सत निर्णय सिद्धांत है, उपदेश है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, कल्याणकारी, वजनदार है। जो कोई भी उसको समझ लेता है और जीवन आत्म उतार लेता है, वह सारे मानसिक पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। मरने के बाद वो मुक्त हो गए नहीं, जीते जी मुक्त हो गया, क्योंकि उसका भव सागर समाप्त हो गया। क्योंकि मन ही भव सागर है, और मन से मतलब मन के जो विकार हैं, विकारी भावनाएं हैं, वह भव सागर है। अब मन मनोविकार समित हो गए तो भव सागर सूख गया, आगे और भव सागर से तरने की कोई बात ही नहीं रह गई। साहब कहते हैं इसलिए गुरु के विचारों को समझो, समझ करके आचरण करो, अन्यथा मानसिक विकारों में पढ़कर तो आज तक जैसे भटकते आए हैं वैसे भटकते रहना होगा, अब बिगारी ढोते रह जाना होगा, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। शेष पंक्तियों पर कल चर्चा करेंगे। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।